तो दोस्तों, मिशन अंत्योदय ऐप्स में नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और अपना आईडी पासवर्ड अगर आप भूल गए तो उसे फॉरगेट कैसे करना है, ये दो चीज़ अभी यहाँ पर हम देखेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर अगर से आपके ऐप्स में ट्रेनिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसे आप ये समझ सकते हैं कि आपका ऐप्स अभी जो है ट्रेनिंग मोड पे है, तो उसे हटाने के लिए आपको यहाँ पर स्विच टू अकाउंट मोड पे क्लिक करना होगा। ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएंगे, ट्रेनिंग और एक्चुअल डाटा कलेक्शन। तो आपको एक्चुअल डाटा कलेक्शन में जा करके यहाँ कंटिन्यू कर देना है और इसको यस कर देना है आपको, तो जो ये आपका एप्स होगा ये अब एक्चुअल मोड पे आ चुका है। जो भी आप यहाँ पर अब रजिस्ट्रेशन करेंगे या फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो ये आपके यहाँ से होगी। चलिए नया रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। यहाँ पर नए रजिस्ट्रेशन में आपको पर्सनल डिटेल बेसिक यहाँ पर डालनी है। अगर से किसी को पासवर्ड बनाने में दिक्कत आ रही है यहाँ पर पासवर्ड बनाने में, तो पासवर्ड एक्चुअल में आपके मेल आईडी के 4 अंकों से या आपके मोबाइल नंबर के 4 अंकों से मैच नहीं होना चाहिए, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उसे आप चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बेसिक डिटेल डालने के बाद आपको बिजनेस प्रोफाइल को नहीं डालनी है, रूल्स को आपको यहाँ पर डालना है। तो रूल्स में चलते हैं। रूल्स में आपके टाइप्स आ जाएंगे, तो आपको जो है यहाँ पर ग्राम पंचायत यूज़र सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप ग्राम पंचायत स्तर के यूज़र्स यहाँ पर अपना आईडी बना रहे हैं। इस प्रकार से आप ग्राम पंचायत यूज़र्स डालेंगे तो यहाँ पर स्टेट आ जाएगा आपका, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डेवलपमेंट ब्लॉक का नाम आ जाएगा और ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा। इसमें एक चीज़ याद रखें कि आप अपने ही ग्राम पंचायत का यहाँ पर चयन करें। इसके बाद आप जैसे सबमिट कर देंगे आपकी आईडी पासवर्ड बनके तैयार हो जाएगी। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी होगी। इतनी चीज़ें करने के बाद आपका जो आईडी पासवर्ड बन जाएगा तो आपकी आईडी अप्रूवल के लिए ब्लॉक लेवल स्तर के जो अधिकारी हैं उनके पास आ जाएगी। उनके पास से आपका आईडी पासवर्ड अप्रूवल हो जाता तो आप यहाँ पर सीधे लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा।